राम का नाम झंडे लेकर रोड पे जोर जोर से डीजे बजाने से धर्म नहीं होता है। बिल्कुल, बहुत सही बात बोली आपने। राम का नाम आप चाहो ना राम राजा जाए, बाजार में झंडे लेकर और दूसरे से मारपीट करने पर, मुझे एक बात का मैं उदाहरण देता हूँ, आपका घर है, आपके घर के बाहर जाके मैं शोर शराबा करूं, आप कब तक सहन करोगे? राम का नाम दुश्मनी का प्रतीक नहीं है, राम का नाम आक्रोश का प्रतीक नहीं, राम का नाम श्रद्धा का प्रतीक। उन्हीं से क्यों आप देखो ना, इधर वैष्णो देवी जाओ तो आजकल जब नया शादी हुई हनीमून मनाने वैष्णो देवी जाओ। हाँ, ये भी एक ट्रेंड है। क्या ट्रेंड है? घूमने जाने के स्थान थोड़ी है। कहा यार वृंदावन घूमने जा रहे हैं जी, अरे बिहारी जी के दर्शन करने जाओ। मैंने भी एक रील देखी श्याम बाबा की, करीब 30-35 सेकंड की थी वीडियो पूरा, उसमें गाना चल रहा तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, बट भजन खत्म हो गए, 10 लाख भजन होंगे बाबा के गाए हुए, ऑडियो रिकॉर्डेड लोग 10 लाख भजन लगाओ यार, श्रद्धा के लिए खाटू जाओ। खाटू का वो दरबार है जहाँ पहली बार जाने से काम बनता है भैया, पहली बार। लाखों उदाहरण है मेरे सामने, लाखों, एक दो नहीं, जो फर्स्ट टाइम गया एकदम 100% तकलीफ में आ गए किसी कहने से, और इतना रोते हुए गए और खुश हो गया, बोले बाबा घर पहुंचने से पहले वो काम तैयार मिला कि ये लो भाई तुम्हारा काम। अरे अपनी पर्सनल लाइफ जियो, मना नहीं है, लेकिन आप कुछ भी कर रहे हो उसको सोशल मीडिया पर दिखा रहे हो, लोग भी उसके पीछे पागल हो रहे हैं। अरे गुरु जी क्रिकेट खेल रहे हैं जी, गुरु जी वहां पर वो जिम में जिमिंग कर रहे हैं, वो क्यों दिखा रहे हो आप किसी? तो स्वागत है तरुण शर्मा शो में, और आज का एपिसोड ना एकदम भक्तिमय होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं फेमस भजन सिंगर श्री संजय पारिक जी। नमस्कार, जय श्री श्याम। संजय जी कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया, खूब खटा हुआ। तो संजय जी शुरू करने से पहले ना थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए, वैसे तो आप काफ़ी फेमस हैं लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते वो भी जान जाएंगे। पिछले 35 सालों का सिलसिला है भजन गाने का, बाबा के चरणों में, बाबा श्याम के चरणों में, और एक छोटा सा नाम है संजय पारिक। सब कृपा है भगवान की, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर सब जगह, मतलब लोग बड़ी रिस्पेक्ट और बाबा की कृपा से खूब आनंद है, यही छोटा सा परिचय है। तो आप सिर्फ खाटू श्याम बाबा के ही भजन गाते हैं संजय जी? नहीं, भजन मतलब मेनली बाबा के ही रहते हैं पूरे साल। अच्छा। लेकिन जैसे ओकेजनली हनुमान जयंती आई तो हनुमान जी का कार्यक्रम हो गया। अच्छा। नवरात्रि आए, माता की चौकी जागरण हो गए, माता की बेटे हुई। अच्छा। उस हिसाब से शिवरात्रि शंकर भगवान का हो गया, लेकिन पूरे साल जो सिलसिला चलता है बाबा श्याम के भजनों का चलता है। तो सर आपका फेवरेट अगर भजन से हम लोग कोई शुरू कर सकें आज का एपिसोड तो मज़ा आ जाएगा। फेवरेट भजन बहुत है भैया, लेकिन जो मैं एक भजन जो नॉर्मली मुझे बहुत पसंद है अपने आप में, जिसने संजय पारिक बनाया। अच्छा। जब मैंने आज से करीब 26 साल पहले बाबा के चरणों में रखा उसको, बाबा ने जब वो भजन सुना उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। एक्चुअल जो मेन जिस भजन ने मतलब मुझे प्रसिद्धि दी वो भजन था, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, ये लाइनें थी भजन की शुरुआत। अच्छा। इस भजन को मतलब बहुत प्रसिद्धि मिली, भजन बहुत हैं जीवन में, बहुत भजनों ने टर्निंग पॉइंट कुछ भजन लाए जीवन के, बहुत सारे भजन, लेकिन ये भजन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बाबा से मांगा था हमने, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तो सर जी आपने कुछ फॉर्मल एजुकेशन म्यूजिक में है आपकी या सिर्फ बाबा की भक्ति के? नहीं, ये गॉड गिफ्ट है जी। अच्छा। गॉड गिफ्ट को आगे बढ़ाया हमने। अच्छा। जब रियलाइज कराया गया मेरे को कि आप गा सकते हो। अच्छा। स्कूल टाइम पर तो धीरे धीरे गाने का शौक चढ़ा, शौक ये सब भजन का नहीं था, युवावस्था थी बिल्कुल एकदम जो टीनेज होती है तो फिल्म में गाने आने ये सब, लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा जीवन में हुआ कि जो मेरे गुरु हैं आदर्श श्री कुमार नारायण जी, उनसे पहली मुलाकात एक शादी हुई में। अच्छा। जैसे मतलब पारिवारिक शादी थी तो ऐसी फ्रेंडली एनवायरनमेंट में गाने वाने गा रहे थे, उन्होंने पहली बार प्रपोजल दिया था भजन गाओगे, बहुत छोटी उम्र थी तब, तब मैं उस बात को इग्नोर कर गया, क्या भजन वजन छोटी सी उम्र 15-17 साल की भी, लेकिन जब बात आई गई हुई थोड़े टाइम बाद जब एक सूचना मुझे मिली कि आज हमारे घर के पास में ही वो सर आ रहे हैं गाने के लिए, मैं उनसे मिला, मेहनत करके मिला ढूंढ के, तब पहली बार उन्होंने एक भजन जब 27 जनवरी 1985 मुझे डेट याद है अच्छे से, पहला भजन जीवन का वो था, मतलब वो उन्होंने मेरे लिए लिखा, राइटर हैं बहुत अच्छे, और मुझे गवाया खड़े कर। क्या भजन था सर वो? एक्चुअली फिल्मी गाने गाते थे। अच्छा। वो आशिकी पिक्चर थी उस समय। हाँ हाँ, बस एक सनम चाहिए, तो फिर वही गाना मैं गा भी रहा था, उन्होंने कहा बोला भजन गाओगे, तो उसी
गाने पर मुझे भजन लिख के दिया। वो भजन बहुत अच्छा भजन था, उसको मैं रिकॉर्ड भी करने जा रहा हूँ दोबारा से। वो था वो, रुपए की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, पूजने के लिए बस भावना चाहिए सांवरे के लिए। ये शब्द थे उस भजन, अच्छा, ये मेरी लाइफ का पहला भजन था। तो अभी आप ये री रिकॉर्ड करने वाले अब हैं? मैं इसको दोबारा से, वो उन्होंने रिकॉर्ड किया गा के, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो एक याद के रूप में अभी हैं, मौजूद हैं गुरु जी, अच्छा तो मैं ये उनको देना चाहता हूँ रिकॉर्ड करके एक बार। अच्छा मैं लगा हुआ हूँ कि बहुत किसी अच्छी कंपनी से गाना रिकॉर्ड हो, ये भजन रिकॉर्ड हो, उन तक पहुँचे गाना मेरा गाया हुआ। बहुत खुश होते हैं देख कर, आज जब अचीवमेंट लाइफ के वो देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि कम से कम चलो। सर, गुरु तो हमेशा आई थिंक मुझे लगता है अपने चेले की या अपने शिष्य की जो हाँ जर्नी होती है, और अगर वो ऊपर जाता है तो आई थिंक सबसे ज़्यादा खुश गुरु ही होते हैं जो चाहते हैं कि आप वहाँ तक जाएं। देखिए भैया, मैं औरों की तो बात नहीं करता, लेकिन मैं अपने गुरु के लिए कह सकता हूँ, मेरी मुलाकात बेशक इन दिनों कम होती है व्यस्तता की वजह से, अपनी व्यस्तता की वजह से, वो मतलब वो गलती मेरी है कि मैं मुलाकात नहीं कर पाता व्यस्तता के चलते, लेकिन मैं जब भी मिला हूँ, 1 महीने में 2 महीने में कहीं ना कहीं किसी कीर्तन में खाटू में, तो मतलब उनकी जो चेहरे पर खुशी होती है मुझे देख के, मेरा नाम सुन के, तो लगता है कि मतलब वो अंदर से बहुत खुश हैं कि आज जो मुकाम मैंने हासिल किया है बाबा की कृपा से, जो मुकाम मिला है, तो उस चीज़ से बहुत खुश है और बहुत आशीर्वाद देते हैं, भाई तेरा बड़ा नाम है, बहुत खुश भी हूँ। तो संजय जी, आप खाटू श्याम मंदिर में कितने साल से आप भजन गा रहे हैं? नहीं मंदिर में नहीं गाते भैया, हम लोग अच्छा खाटू धाम में गाते हैं, जो खाटू गांव है जहाँ अच्छा बाबा का मंदिर है, वहाँ पर एक्चुअली हर एकादशी को दर्शन होते हैं बाबा के, दर्शन तो अच्छा पूरे टाइम है, लेकिन हर एकादशी को लोग इकट्ठे होते हैं, मतलब एकादशी का एक बहुत बड़ा महत्व है खाटू में। शुद्ध एकादशी जो आती है पूर्णिमा से पहले 4 दिन पहले, तो वहाँ जितनी धर्मशालाएँ हैं उनमें सब में कीर्तन होते हैं, अच्छा सब करीब करीब सब धर्मशालाओं में, तो हम लोग हर एक आशी खाटू रहते हैं, तो 4-5 धर्मशालाओं में जाना होता है, ज़्यादा तो कर नहीं पाएंगे, पूरी रात में कितना घूमेंगे, तो वो एक आशी मतलब खाटू में भजन गाए जाते हैं। सब सिंगर्स मतलब हमारे श्याम जगत के जितने सिंगर्स हैं, तो मैं ज़्यादा तो नहीं, 60-70% सिंगर सब लोग वहाँ होते पुराने हैं। लोग, तो कम से कम पुराने सिंगर्स जो हैं सब हम लोगों की एज के जो पुराने हैं, जिनको आज 30 साल 35 साल हो गए, वो लोग खाटू में रहते हैं एकादशी के, वो लोग एकादशी कहीं में? बाहर नहीं जाते कीर्तन करने के लिए। अच्छा, तो एकादशी की इतनी वैल्यू क्यों है संजय जी? एकादशी एक्चुअली अपने हिंदू धर्म में जो एकादशी है ना, एकादशी का अपना एक अलग महत्व है, और बाबा के दरबार में एकादशी का वैसे ही बहुत महत्व है, क्योंकि जन्मदिन जो मनाते हैं वो कार्तिक शुद्ध एकादशी को, और शीश दान का जो किस्सा है वो फागुन शुद्ध एकादशी को, अच्छा जो बाबा का शीश दान था वो कहते ही हैं कि फागुन शुद्ध एकादशी थी उस दिन, अच्छा जिस दिन शीश दान, तो वो बड़ा महत्व है एकादशी का, महत्व इसलिए वो हर महीने की शुद्ध एकादशी जो है ना उसका महत्व है, मतलब अच्छा दर्शन होगा तो एकादशी के दर्शन से, वैसे भी कहते हैं कि एकादशी के दर्शन से बहुत कुछ मिलता है दरबार में। मिलता है। तो एक बार मुझे वो कहानी आप सुना सकते हैं शीशदान की, जो आप कह रहे थे कि उन्होंने एकादशी के दिन शीशदान किया शीश था? दान नहीं, जैसे ये अब मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन हमने जो अपने बड़ों से सुना है, देखा तो किसी ने ही नहीं, अच्छा कहीं पर अगर वर्णन भी होगा किसी ग्रंथ में तो कौन किसने पढ़ा है, बिल्कुल लेकिन जो सुनते आए हैं अपने पुराने लोगों से, जो हमसे बहुत पुराने लोग हैं जिनके पीढ़ियाँ गुजर गई श्याम बाबा के चरणों में, उन लोगों का कहना था ये कि भाई फागुन शुद्ध एकादशी की रात को शीश दान, इसलिए एकादशी का महत्व, वो मेला जो बढ़ता है और द्वादशी को भोग लगता है फिर खीर चूरमे का बाबा को, ऐसे वो होता है। उसकी कहानी सिर्फ इतनी सी है कि अभी ये पांडव कुल जो मतलब महाभारत काल से बेस्ड है श्याम बाबा, पांडव कुल, पांडवों में एक पांडव भीम बली, उनके पौत्र हैं बर्बरीक। बर्बरीक नाम इसलिए था कि बचपन में जब मतलब पैदा होते ही मतलब एकदम घुंघराले घने बालों के कारण, बब्बर शेर के जैसे बाल होते हैं ना घुंघराले, तो हाँ बर्बरीक नाम दिया गया। नाम देने के बाद में कृष्ण भगवान के साथ में जंगल में भेज दिया गया शिक्षा दीक्षा के लिए, जिनको गुरुकुल बोलते हैं, उस समय गुरुकुल व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जंगल में भगवान के साथ, भगवान ने विजय नामक एक ब्राह्मण थे उनको सौंपा इनको, भैया आप इनको शिक्षा दीक्षा दो और ट्रेंड करो। उसी दरमियान शंकर भगवान से तपस्या के दौरान 3 बाण मिले, जो आज जयकारा लगता है, 3 बाणधारी की जय, बाबा को 3 बाणधारी बोलते हैं, 3 बाणधारी की जय, वो मिले और जगदम्बे मैया से शक्तियाँ मिली। लौट के जब 11-12 साल की उम्र में घर आए, उस समय युद्ध चल रहा था महाभारत का, तो अपनी माँ से पूछा भाई कहाँ गए, तो बोला अपने युद्ध चल रहा है ऐसे ऐसे, और तो बोले मैं भी युद्ध में जाऊँ, बर्बरीक की इच्छा प्रकट की, तो माँ ने ये कहकर मना कर दिया, बोले बहुत छोटे वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोगों की, बहुत बड़े योद्धा हैं वहां बहुत बड़े पर। योद्धा हैं बड़े बड़े वहाँ पर। तब बर्बरीक ने अपनी शक्तियों का प्रमाण दिया कि मुझे क्या क्या मिला है। माँ ने परीक्षा ली, बहुत सारी परीक्षाएं ली, वो एक वो वर्णन आता है श्याम अखंड ज्योति पाठ है उसमें मैं करता हूँ, तो उसमें एक वर्णन आता है कि क्या क्या परीक्षाएं ली,
शेर आया, बब्बर शेर, उसको वो भागा इनको देखकर, मतलब बहुत सारी परीक्षाएं उसमें। तो आप गा के बताते हैं वो आप... पूरा एक पाठ है 7 अध्याय का। अच्छा, वो करीब 7 घंटे लगते हैं उसमें, जैसे रामायण पाठ होता है ना, रामचरितमानस 7 अध्याय, इसमें 7 अध्याय हैं। अच्छा, तो करीब वो 7 अध्याय मतलब 6.5 से 7 घंटे, यूँ आप पढ़ने बैठेंगे तो बहुत कम टाइम मिलेगा। वो म्यूजिकल अगर गाते हैं हम लोग, हाँ। उसमें हम एक ये भी करते हैं कि जितने भजन उसमें कुछ हैं, 10-12 भजन, जो सब प्रसंग हैं उनके, हाँ। जन्म का, शीश दान का, युद्ध में जाते समय का, तो उन भजनों पर नृत्य नाटिका भी होती है, सजीव नृत्य नाटिका। तो वो दिखाते हैं हम लोग भजन गा के साथ में, भाई बरबरी की युद्ध में जा रहे हैं घोड़े पर बैठकर, तो वो हम लोग झांकी मतलब उस नृत्य नाटिका के माध्यम से दिखाते हैं लोगों। अच्छा, तो वहाँ पहुँचे, भगवान कृष्ण से पहला सामना हुआ, तो बोले बालक तुम कौन हो और यहाँ इस युद्ध में क्यों? तो उन्होंने अपना परिचय दिया, बोले मैं बरबरी हूँ और इस युद्ध को देखना चाहता हूँ और भाग लेना चाहता हूँ। बोले तुम तो इस लायक हो ही नहीं, योग्य हो ही नहीं। बोले आप मुझे बालक समझ रहे हैं लेकिन बहुत है, शक्तिशाली हूँ। इसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण ये था कि उनके तर्कश में जो 3 बाण थे उनमें शक्ति थी कि जो भी टारगेट है उसको पूरा करके वापस लौट के वो उनके पास तर्कश में आना है उसको। कृष्ण भगवान ने सारे पांडव जो भी इकट्ठे, तो उनकी प्रेजेंस में एक परीक्षाली बहुत घना एक पीपल का वृक्ष था वहाँ पर। तो बोले अगर शक्तिशाली हो तो एक साबित करो कि 1 बाण से 1 बार में सारे पत्ते बिछ जाएं, तो मैं तुमको मानूं कि वीर हो तुम में ताकत है। बरबरी ने तीर निकाला, ध्यान जब कर रहे थे उसको जब साध रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने 1 पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे रख लिया, ये सोचकर कि सारे पत्ते अगर बिद भी गए, 1 तो रही जाएगा और इसको वापस भेजने का मौका मिल जाएगा। बाण चला, सारे पत्ते भी दिए और वापस तर्कस में आया। आँख खोली, भगवान ने पूछा हो गया बालक? बोले महाराज हो गया। बोले सोच लो। बोले हो गया। बोले 1 पत्ता तो फिर भी रह गया। बोले आप शायद उस पत्ते की बात कर रहे, बरबरी बोले, जो आपने तोड़कर अपने पैर के नीचे रखा। भगवान कृष्ण ने बताओ चौके शौक, ये इसको कैसे पता, इसका मतलब है ज्ञान। बोले प्रभु मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो पहला पत्ता बेदा गया था ना मेरे तीर द्वारा, वो आपके पैर के नीचे का ही था। भगवान के मन में एक बात आई, बोले जिस के बाणों से मैं अपने पैर के नीचे के पत्ते की रक्षा नहीं कर सका, मैं लोगों की रक्षा क्या कर पाऊंगा इसके बाणों से? ये तो खत्म कर देगा सब। अच्छा, एक बात ये थी कि मैं हारेगा साथ दूंगा। अच्छा, वो कह रहे थे कि भाई मैं जो हारेगा उसका साथ, माने वचन लिया था जाते समय कि हारेगा साथ देना। अच्छा, जो हारे उसका साथ ही तुम बनोगे, जीतने वालों की दुनिया साथ होती है लेकिन हारेगा साथ कोई नहीं देता, तुम वादा करो कि जो हारेगा उसका साथ दोगे। तब जब पांडवों को खुशी हुई कि तुम तो हमारे अपने हो, कृष्ण भगवान ने जब परिचय पूछा भाई कौन हो, कहाँ किस कुल के हो, इतना ताकतवर योद्धा एक और आ गया हमारे, बोले हमारे साथ। बोले नहीं प्रभु, मेरी माँ ने मुझे आदेश दिया कि मारे का साथ दो। तो फिर एक विचार हुआ, बोले अगर ये युद्ध लड़ेगा तो युद्ध समाप्त ही नहीं होगा, क्योंकि जो हारेगा उसकी तरफ चला जाएगा, तो इसका परिणाम पता है क्या होगा? संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा और युद्ध समाप्त नहीं होगा। तब एक विचार कृष्ण भगवान ने किया अपने दिमाग में, कि बरबरी से कहा कि इस युद्ध भूमि में एक महावीर की बलि आवश्यक है। अच्छा, वो महावीर कौन है? वो 3 है केवल, एक मैं, एक तुम और एक अर्जुन। तो बोले प्रभु मेरे लायक जो आदेश हो आप करिए। तब भगवान ने अगले दिन ब्राह्मण का रूप धरकर इनसे एक दान मांगा कि मैं तुमसे एक दान चाहता हूँ सुबह सुबह। बोला आप बताइए। बोले मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए, तुम क्षत्रिय हो, वादा करो। वादा किया, शीश दान हुआ। तो बरबरी ने एक बात की, प्रभु आप ब्राह्मण रूप में ना आकर अगर अपने असली रूप में आते तो मुझे और आनंद आता। वचन तो वचन है, विष्णु स्वयं मेरे से दान मांगने आए। तो कृष्ण भगवान जो त्रिलोकीनाथ है भगवान, वो मांगने आए ना दान। बोले मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन फिर भी दान दिया उन्होंने। तब कन्हैया ने पूछा, बोला आप एक बात बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा, अपनी इच्छा बताओ। तो उन्होंने कहा मैं संपूर्ण युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। शीश ने कहा, तो भगवान ने अमृत छिड़क कर उस शीश को एक पहाड़ी पर स्थापित किया। स्थापित करने के बाद उस शीश ने पूरा युद्ध देखा अपनी आंखों से। 18 दिन युद्ध चला, समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए। विजय होने के बाद पांडव में आया घमंड, भीम बोले मेरी गदा, अर्जुन बोले मेरा गांडीव, ये वो सब। तब भगवान ने कहा कुछ नहीं, इसका फैसला ऐसे नहीं हुआ, इसका फैसला वो करेगा जिसने आंखों से युद्ध को देखा हो। आइए चलते हैं। तब शीश के पास सब लोग पहुँचे, पांडव और भगवान कृष्ण। भगवान ने पूछा, बोले तुम बताओ तुमने युद्ध को देखा है? ये कहते हैं ये कहते हैं ये। बोले नहीं कुछ नहीं था महाराज। बोले 2 चीज़ थी केवल, एक आपका सुदर्शन चक्र और दूसरा द्रौपदी जो थी
वो चंडी का रूप धरकर खप्पर से खून पी रही थी दुश्मनों का। अच्छा, खुले केशों में चंडी का रूप धरके। तब भगवान ने कहा, बोले तुम सचमुच न्याय के देवता हो, और उस शीश को से सम्मान नदी में प्रवाहित किया, प्रवाहित किया, और ये वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हारा प्रागट्य होगा वापस से, जब कलयुग आएगा, और तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। आज भी श्याम बाबा को जैसे कृष्ण भगवान, कृष्ण कन्हैया लाल के जयकारे भी लगते हैं, श्याम क्यों बोलते हैं, वो कृष्ण भगवान वाला जो नाम है श्याम, उस नाम से पूजे जाते हैं। सर मुझे तो 3-4 साल पहले तक यही लगता था कि वो कृष्ण मंदिर ही है कोई, खाटू श्याम बाबा, जब मैं सुनता था तो मुझे लगता था कि कृष्ण का ही कोई रूप है वो, जिसका वो जो नाम है ना, भगवान ने जो नाम दिया इसलिए वो श्याम नाम है वो। अच्छा, ये बात है, भगवान ने अपना नाम दिया कि तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, और एक वरदान दिया कि तुम्हारा नाम, केवल नाम जपने से लोगों के कार्य सिद्ध होंगे, मनोकामनाएं पूरी होगी, और तुम्हारे दर्शन मात्र से, तुम्हारे स्मरण मात्र से सबके बिगड़े काम बनेंगे। इसीलिए जो आज आप भीड़ देख रहे हैं, फिर हाँ, ये जो मंदिर वर्तमान में आप देख रहे हैं, इसको 304 साल हो गए बने हुए। 304 साल हो गए हैं, 304 साल चल रहा है, फोर्थ ईयर, 304 वर्तमान जो मंदिर है। अच्छा, शीश बहकर नदी में, जो आज खाटू था, में खटवांग नगरी था, राजाओं का राज होते थे, राजपूतों के सबके। तो उस जगह पर एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि शाम को जब ग्वाले जंगल में अपनी गाय चरा के वापस आते हैं, तो एक पर्टिकुलर गाय एक जगह पर खड़ी हो जाती, और उसका दूध ऑटोमेटिक थन में से निकलकर धार बनकर नीचे गिरता जमीन पर, उस पर्टिकुलर जगह पर। रोजाना का नियम ये शाम का हो गया। ग्वाले घबराए, राजा के पास गए, बोले महाराज ऐसा ऐसा हो रहा है, बोले क्या चक्कर है। तो उसी रात स्वप्न में राजा के आए, बोले मैं हूँ और मुझे निकालो, मुझे मेरा मंदिर बनाओ, दर्शन दिए। तब राजा ने खुदवाई कराई, मंदिर निकला। जब खुदाई हुई तो वहाँ से एक जल की धारा निकली, जो आज श्याम कुंड के रूप में प्रचलित है खाटू। अच्छा। आज वो स्थान है, श्याम कुंड है, लोग स्नान करते हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है उस जल में, आज भी है उस स्थान। अच्छा। दर्शन करने से पहले लोग, जिनको जानकारी है, जो पुराने लोग हैं, जिनको सिस्टम का पता है कि पहले श्याम कुंड दर्शन करो, फिर स्नान करो, फिर दर्शन करो, वो श्याम कुंड आज भी है। फिर ये मंदिर, मतलब पहले मंदिर पर राजा गया, फिर 300 साल पहले मंदिर, और आज भी खाटू में जो व्यवस्थाएं हैं, श्याम मंदिर कमेटी परिवार बना हुआ है, वो राजपूत लोग ही हैं, चौहान लोग, और जो अंदर सेवा होती है वो ब्राह्मण पुजारी करता है। 350 साल पहले मंदिर बाबा का शीश तो पता नहीं कब निकला था, कितने मतलब कलयुग आया तब निकला ना शीश, तो पता नहीं कब निकला, मंदिर की बात कर रहा हूँ। अच्छा। वर्तमान जो मंदिर है उसको बने हुए 304 साल हुए, अभी वाला जो मंदिर। अच्छा, तो इससे पहले कोई और मंदिर, शंकर भगवान का एक मंदिर था सामने। अच्छा। है वो मस्जिद के बगल में। अच्छा। माँ विराजमान था शीश। अच्छा। माँ गया। तो अभी मूर्ति का रूप कैसा है? काली पत्थर की मूर्ति है। अच्छा। बकायदा शीश जो एक रूप होता है। अच्छा, आपने कभी दर्शन किए बाबा के रूप के? ओरिजिनल रूप के नहीं, मैं आपको भी दर्शन कराता हूँ, ओरिजिनल रूप के दर्शन कराता हूँ। डेली दर्शन आते हैं, ओरिजिनल जो रूप है बाबा का उसके दर्शन आते हैं बकायदा। तो ओरिजिनल जो रूप है बहुत तेज वाला रूप एकदम, मतलब आज हिंदुस्तान के, देखिए खास बात एक बता दूँ छोटी सी, आज हिंदुस्तान के हर छोटे छोटे शहर, बड़े बड़े शहर, छोटे छोटे गांव में बाबा के मंदिर बन रहे हैं। खाटू श्याम मंदिर। मेरी मूर्तिकारों से बात होती है, मूर्तिकार जो ब्लैक स्टोन का बाबा का शीश बनाते हैं स्थापना करने के लिए, आज तक हिंदुस्तान का एक भी मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ उस खाटू के शीश की कॉपी बना पाया हो। अच्छा, नहीं बना पाते, मतलब एग्जैक्ट कोई नहीं बना पाया, कोई नहीं बना पाया आज तक। क्लोजअप से क्लोजअप मूर्तिकारों ने ले लिया, बड़े से बड़े ट्रेंड मूर्तिकार कॉपी नहीं कर पाया कोई आज तक। अच्छा, आप किसी मंदिर की स्थापना, कोई मंदिर की फोटो देख लीजिए आप, मतलब नज़दीक पहुंच जाएंगे वो बनाने में, लेकिन कॉपी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बस आप खाटू में जो शीश की स्थापना बाबा की, उस जैसा शीश आपको बना के मैं दे दूँ आपके मंदिर के लिए, नहीं बना पाए मूर्ति। अच्छा, तो संजय जी आप तो इतना टाइम वहाँ पे आप गुजार चुके हैं, तो जैसे आपने बोला कि भाई चमत्कार होते हैं वहाँ पे, और लोगों की क्या कहते हैं मनोकामनाएं सारी पूरी, आपने कोई कहानियाँ सुनी हैं? देखिए भाई साहब, चमत्कार एक ऐसा शब्द है ना जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। अच्छा, मतलब परिभाषा के दायरे में आप चमत्कार को नहीं मान सकते मेरी नज़र में। किसी के लिए कुछ भी चमत्कार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं जैसे अपनी बात कर रहा हूँ, बैठे बैठा मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो एक चमत्कार ही। बिल्कुल, जब ये पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू हुआ तो मैं सोचता था बैठा बैठा, क्या कोई ऐसा दिन आएगा जब अपना भी कोई पॉडकास्ट खोल लेगा या अपन करेंगे बैठे, दैट इज चमत्कार। मैंने बाबा से अर्जी लगाई कि प्रभु अच्छा कृपा करो कुछ ऐसा हो जाए, टाइम लगता है लेकिन होना होता तो है, होता तो है। मैं ग्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर आप एक इंडस्ट्री का होता है बड़ा कोई स्टूडियो नहीं, ये सिस्टम कब शुरू होगा अपनी लाइफ में, ये भी एक चमत्कार है।
बिल्कुल नहीं, आपकी मेरी क्या पहचान, कुछ भी नहीं। एक चैनल ही बनता है ना, हाँ जी, वो चमत्कार से ही बनता है। बिल्कुल, तो चमत्कार तो बहुत हैं, लेकिन एक प्रचलित जो चमत्कार है ना, जो बहुत फेमस है मतलब शाम जगत में, क्योंकि देखो चमत्कार, अब बड़े बड़े चमत्कारों की मैं झूठे गाने किससे सुनाऊँ, दैट्स नॉट गुड, क्योंकि हम लोगों ने सुने ही है ना पुराने लोगों की, क्योंकि वो जो पुराने लोग हैं ना, आज नई जनरेशन आई है, वो चमत्कार एक अलग चीज़ उनकी नज़र में, लेकिन पुराने लोग जितने रहे हैं बाबा के प्रेमी, जो शाम भक्त कहलाए, जिनको आज भी बाबा के साथ में बैठा कर जिनकी पूजा की जाती है, वो अब है नहीं, उन लोगों ने ही किए एक्चुअल चमत्कार। अच्छा, हाँ, जैसे चमत्कार अपने ये हरियाणा में रेवाड़ी है, हाँ, रेवाड़ी में श्याम बहादुर जी हुए, अच्छा, अग्रवाल थे वो, गर्ग गोत्र था उनका, बाबा के मतलब बहुत बड़े भक्त थे वो, परम भक्त, परम भक्त, जिन्होंने श्याम बाबा के नाम को बजाया है, रोम रोम में बसाया है, कि जिन्होंने जो मुंह से कह दिया वो काम हो गया। वो जब एक बार खाटू आए, खाटू वाले भी कहते हैं हम लोग भी भजन में गाते हैं, मैं देखो जो सुना है बता रहा हूँ, हाँ, हम भी भजन में गाते हैं इस चमत्कार को। तो जब आए तो थोड़ा सा शेड्यूल से लेट थे वो, अच्छा, हमेशा जैसे जाते थे, तो मंदिर हो गया बंद। आज के मंदिर की वर्तमान व्यवस्थाओं में, पुराने जमाने की व्यवस्थाओं में जमीन आसमान का फर्क, पहले वो सोशल मीडिया तो था नहीं कि साहब तरुण जी जा रहे हैं तो मंदिर 15 मिनट खुला रखो, आ रहे साहब सूचना दे रहे, वो तो पर्टिकुलर टाइम एकदम जो था ना फिक्स, मंदिर हो गया बंद, लॉक हो गया, तो फिर विश्राम हो गया मंदिर का। वो अपने दल बल के साथ जब पहुंचे तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि बाबा देखो मैं इन सब के साथ आया हूँ, और सबकी एक प्रण है कि जब जब तक आपको दर्शन नहीं कर लें, अन्न जल ग्रहण नहीं करते, कब तक बैठे रहेंगे, शायद दोपहर का समय रहा होगा, वो रात में तो आए नहीं होंगे, दोपहर में जो विश्राम का 4 घंटे का टाइम होता, शायद वो 12:30 बजे के बाद आए होंगे, 12:30 बजे मंदिर का, शायद बोल रहा हूँ, एक कल्पना है हमारी। तो उन्होंने जब बाबा से रिक्वेस्ट की तो अंदर जब भाव आया, तो उन्होंने जो मोरछड़ी हाथ में होती, बताता हूँ मोरछड़ी के बारे में, उन्होंने ताले से छुआई, अच्छा, और ताला ऐसे खुल गया जैसे चाबी से खुला गया अपने आप, हाँ, उस मोरछड़ी के छूने से। ये कितनी पुरानी घटना है संजय जी? ये 101 साल पुरानी बताते हैं शायद, अच्छा, शायद कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं, नहीं, रिसेंट घटना है, श्याम बहादुर जी तो मतलब अभी के वर्तमान के हैं, अच्छा, हाँ, वर्तमान से मेरा मतलब 10-20-25 साल पहले, 30 साल पहले, 35 साल पहले, मतलब वर्तमान समय जो है ना उसमें। तो वो मंदिर खुला, फिर वो सब लोगों ने चमत्कार देखा, तो फिर बाबा ने दर्शन दिए, तब ये हम लोग भजन भी गाते हैं, श्याम बहादुर दर्शन को आए, ताले मंदिर के बंद पाए, मोरछड़ी से ताले को खोला, तो ये एक चमत्कार। तो ये थोड़ी सी लाइन एक बार आप सुना देते। ये एक मोरछड़ी का भजन है, बहुत पॉपुलर भजन है, हाँ। मोरछड़ी ले रही रे रसिया वो सामने, उसमें एक लाइन थी, श्याम बहादुर दर्शन को आए, ताले मंदिर के बंद पाए, मोरछड़ी से ताले को खोला, शीश झुका कर बाबा को बोला, रसिया वो सांवरा तेरी बहुत बड़ी सकड़ाई रे। सकड़ाई मतलब आपका वैभव, अच्छा, आपकी प्रतिष्ठा, मतलब एक मालदार सेठ होता है ना गांव में, हाँ, बहुत मतलब खुले हाथ वाला आदमी है, बहुत कुछ है इसके दरबार में, वो सकड़ाई मतलब एक शब्द है मारवाड़ी, तो ये वजन तब गाते हैं हम लोग, मतलब सुना वजन। एक चमत्कार और सुनता हूँ उनका, श्याम बहादुर जी का, लोग कहते हैं खाटू वाले कि एक बार मंदिर में दर्शन कर रहे थे खड़े होकर, मंदिर में तो एक नेत्रहीन कोई भक्त था वहाँ पर, जिसके आंखें नहीं थी, दर्शन मतलब नेत्रहीन था, तो उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा इसको आंखें क्यों नहीं देते ज्योति, तो शायद आदेश हुआ अंदर से, बोला अगर तू इतनी बड़ी बात है तू तेरे दे दे, अच्छा, मंदिर से आदेश हुआ अंदर से उनको इंटरनल, तो उन्होंने अपने एक नेत्र की ज्योति उस भक्त को दे दी खड़े खड़े, और ये कहते हैं कि पूरा जीवन श्याम बहादुर जी एक आंख की रोशनी से खड़े खड़े वहीं अपने एक नेत्र की ज्योति उसको, अच्छा, वो उसकी आंखें आ गई, एक आंख मतलब उसको दिखाई देने लग गया, दिखाई देने लगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबा को अंदर बसाया है, बसाया अंदर बाबा के नाम को, रोम रोम में उन्होंने मतलब जिन्होंने बाबा के नाम को बजाया है एक्चुअली। अच्छा, आज तो हर आदमी अपना में भक्त समझता है, 4 कीर्तन में चले जाओ, 5वें दिन वो लेके मोरछड़ी जाड़ देने को तैयार है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं समझते ना लोग भैया, मोरछड़ी उठाना आसान काम नहीं है, किसी का शस्त्र उठाना आप कैसे उठा सकते हैं, उसके लिए बहुत ताकत चाहिए। मोरछड़ी शस्त्र है, मोरछड़ी अपना आप में दरबार का एक बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र है, जिससे लोगों की विपदाएं कटती है मोरछड़ी के झाड़े से। अच्छा, बाबा के हरसम दाहिने हाथ पर रहती है। अच्छा, मोरछड़ी का झाड़ा सबसे इंपॉर्टेंट झाड़ा है खाटू का सारे, जिससे अगर प्रॉपर आदमी कोई लगा दे, जिसको बाबा का आदेश हो,
एकदम बल्ले बल्ले, सब किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो किससे लगवाना चाहिए अगर मैं जाऊँ तो? नहीं ऐसा नहीं, मैं पर्टिकुलर नाम नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे हैं और बहुत है भी नहीं। अच्छा बहुत है भी नहीं और बहुत है भी, ओके दोनों चीज़ें। तो मतलब मोरछड़ी का जो झाड़ा है बहुत बहुत पावरफुल झाड़ा होता है, बशर्ते लगाने वाला आदमी ऐसा चाहिए जिसको बाबा का आदेश हो। वो इतना कनेक्टेड होना चाहिए कि बाबा से पूछ के लगा दे वो तो एकदम काम। डायरेक्ट उनसे कनेक्ट हो गया बस आप वो तक कनेक्टिविटी पावर आपकी प्रॉपर चाहिए ना, चैनल एकदम कनेक्ट होना चाहिए आमने सामने। ये तो एकदम एकदम नेटवर्क है जो बिल्कुल एकदम जुड़ा होना चाहिए। तो जब आप भजन गा रहे होते तो आप कनेक्ट हो पाते हैं? नहीं मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत कनेक्ट हो पाता हूँ, क्योंकि देखिए मैं झूठ नहीं बोल सकता कि मैं कनेक्ट होता हूँ। कनेक्ट होते रेयर, कभी कभी होता है जब बहुत ज़्यादा कोई बहुत गहराई में चले जाते हैं कभी गाते गाते, या आप कुछ ऐसा गा रहे कि लोगों की नज़रें बाबा से मिल गई तो खुद भी फिर कनेक्ट होते, लेकिन वो क्षण होता है थोड़ी देर का, थोड़ी देर के लिए। वो बहुत क्षण होता है, वो मतलब सेकंड्स का काम होता है कि एकदम जुड़े, एकदम से आपको लगा कि यार ये क्या हुआ, रोंगटे से खड़े एकदम हो बस खुद के ही। सिरन से या जिस दिन गा रहे आप गाते गाते अचानक आपकी आंखों में आंसू आ गए, आपका गला भरा है, तो आपके साथ होता है ऐसा कभी कभी? रेयर, रेयर। बहुत रेयर। रोज मैं जाऊँ तो मैं, बिकॉज आई एम प्रोफेशनल, मैं रोज ये काम नहीं हो सकता ना, वो फिर वो नकली काम होगा झूठ, वो मैं पॉसिबल नहीं है, वो तो फिर कोई भी कर कोई भी सकता कर है। सकते हाँ हैं लेकिन पर कनेक्टिविटी तो होने के बाद सर आप अपने आप में नहीं रह जाएंगे ना जब कनेक्शन हो जाएगा तो, बिल्कुल आप अपने आप में रह ही नहीं जाएंगे जब कनेक्शन हो जाएगा तो। और कनेक्शन बहुत देर थोड़ी जुड़ता है किसी का, वो जो पुराने लोग हैं वो भी सेकंड में काम होता था, बस पूछा बाबा जी काम है, चलो जाओ जी काम हो गया हटा, ये थोड़ी दिन भर अब लेके जैसे बैठे। 2 घंटे उनके साथ नहीं कनेक्ट जी हो गए जी तो नहीं फिर नहीं आप कुछ वहीं पहुंच जाओगे? दे आर वेरी नॉर्मल, कुछ नहीं 2 घंटे तो वो क्षण होता है, सेकंड्स, 1 सेकंड के लिए कुछ आया झंझनाट, उस क्षण किसी बात रख दिया काम हो गया काम खत्म। ऐसे बहुत हुए हैं अपने पुराने ज़माने में, बहुत ऐसे हुए बाबा के प्रेमी एक्चुअली, वो लोग जिन्होंने बाबा को जपा है, जिन्होंने बाबा को भजा है। पेशेवर आदमी जो अपने स्वार्थ के लिए गा रहा हो वो एक एग्जाम, मैं तो बाबा का भक्त हो गया, मैं नहीं मानता। तो आप मानते हो कि आज ये जो अभी की, चलो मैं बात करता हूँ अगर जी आपके साथ, तो जब आप अपना प्रोग्राम शुरू कर रहे होते तो आप क्या फील करते हो कि मुझे आज इस तरीके से गाना है, या कैसे प्रिपरेशन कैसे होती मैंने है? कोशिश की भैया कई बार कि जैसे, क्योंकि देखो हर समय एक भजन नहीं होता है, डे बाई डे भजन बदलते रहते हैं, अच्छा स्क्रिप्ट तो बदलती रहती है ना डे बाई बिल्कुल डे, बिल्कुल जैसे 4-5 महीने कुछ और चला, फिर 4-5 महीने नए भजन आ गए, कुछ हल्का फुल्का लिख लिया राइटर्स के भजन। तो 2 भजन ऐसे हैं जीवन में जिनसे शुरुआत करनी है मेरे को, जब से मैं गाना शुरू हूँ वो 2 भजन है, इनसे उसमें से शुरुआत एक करते भजन हैं। कोई सा भी जिसे शुरुआत कर रही है, अच्छा उसके बाद फिर स्क्रिप्ट चेंज होती है। हमने कोशिश की कई बार कि होटल में बैठे हैं कहीं पर कार्यक्रम में जाने से पहले, कीर्तन में जाने से पहले लिस्ट बनाते हैं, चलो आज कौन कौन से गाने, और ऐसा हुआ है कि जब गाने के लिए खड़े हुए तो एटमोसफियर इतना चेंज हो गया कि वो लिस्ट पूरी साइड में रखी गई, कुछ और गा के 2-3 घंटा निकल गए जिनके लिए सोचा भी नहीं था। तो संजय जी फिर ये कनेक्शन ही तो है, मतलब वो आपको बता रहे क्या गाना हाँ, है। क्योंकि मैं जब खड़े होते हैं गाने के लिए तो पहली प्रार्थना होती है कि प्रभु एक तो लाज रखना, और एक आप क्या सुनना चाहते हो बताओ, इशारा करो। तो फिर वो अगर इशारा मिल गया तो फिर आपकी बल्ले बल्ले ही। तो मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है बच्चे लोग लिस्ट बनाते हैं, आप आज गुरु जी कौन कौन से, अंकल कौन कौन से, तो भाई चलिए ये भी लिख ले, ये भी लिख ले आज कोशिश, क्योंकि खड़े होने के बाद याद नहीं रहता ना, तो हाँ अच्छे अच्छे भजन लिख लो जी आज जो अपने हिट भजन है, लेकिन पता लगा बोला आपने एक भी नहीं गाया इसमें से, तो आप वो गा के निकल गए 3 घंटे तक जो सोचा भी नहीं था आपने। तो आपको इतने भजन याद हैं? इतने सालों का सिलसिला है तो भजन तो याद है कितने गाने वैसे आप, कितने भजन आपको याद होंगे वैसे? भाई। रिकॉर्डेड अगर भजन की बात करें तो अब तक पूरे जीवन में करीब 1500 भजन रिकॉर्ड हो चुके हैं, यूट्यूब पर है अपने 1500 भजन। अच्छा 1500 रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड। भाई, पहले MP3 का ज़माना था, MP3 का ज़माना, तो हमारे 24 गानों की, 16 गानों की MP3 निकलती थी भजनों की, तो भी करीब मतलब 1500 भजन तो अंदाज यूट्यूब पर हैं। 1500 तो आप YouTube पे बता रहे हो, और कितने जो YouTube से पहले के होंगे जो आप जो पता जो ही कभी नहीं है? रिकॉर्ड ही नहीं हुए कभी आज तक, जो रिकॉर्डिंग का ज़माना ही नहीं था उस समय, कैसेट का ज़माना था, तो अगर मैं काउंट, अगर एक रफ मतलब एस्टिमेट भी लगाए तो 4-5 हज़ार भजन हो गए। नहीं भजनों का कलेक्शन तो बहुत है। आज अगर मैं मेरे कलेक्शन की बात करूं, मेरे पास 20-25 हज़ार भजन है कलेक्शन। अच्छा हाँ मैं बहुत शौकीन हूँ भजनों का कलेक्शन करने का। तो और आपको वो याद भी रहते हैं हाँ बीस ज़्यादातर पच्चीस हजार भजन नहीं, 20-25 हज़ार टाइम निकलता है, तो जब पुराने भजन है, अब कभी गाना पड़ा पुराना भजन तो बच्चे लोग कॉपी वॉपी निकाल लेते हैं, उसमें लिखा होता है तो अच्छा सामने रख लिया याददाश्त के लिए, अपने सामने रख लिया बस फिर गाते चले गए, ऐसा होता है।
तो ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करते हैं संजय जी? इतने सालों का एक्सपीरियंस, बातचीत, तौर तरीका बातचीत करने का, वो कभी आप फिर मेरा लाइव कीर्तन देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा फिर। अच्छा, प्रैक्टिकली अच्छा ऑडियंस से कनेक्ट करने का, एक्चुअली ऑडियंस हमारे यहाँ पर जो है ना, देखिए अभी की ऑडियंस में और पुरानी ऑडियंस में फ़र्क है। वर्तमान की जो ऑडियंस है वो कुछ तड़कीला बड़कीला चाहती है, आज क्योंकि नई जनरेशन है ना, नई जनरेशन है। पुराने लोग जो बाबा से जुड़े हुए थे, उन लोग के भजन चाहिए होते थे, फिर आप भाव के भजन, मीठे भजन कौन गाता उसको बुलाओ, तो वो लिमिटेड लोग थे, 4-5-7 नाम थे, उनको घूम फिर के वही सब चलते थे। अब आज भी से मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मेरे को जो जानने वाले हैं, मेरे को जो पहचानने वाले हैं, चाहने वाले, वो एक ग्रेड है अपने आप में, ये मेरी खुशकिस्मती है। जिनको भजन सुनने का शौक है वो बुलाते हैं, अच्छा होल लेवल है हमको नहीं बुलाते, वो हमको अवॉइड करते हैं। हो अल्लाह, मतलब शोर शराबा, बैंड बज रहा है, कुछ भी गा दिया, कुछ भी कर दिया, अच्छा फिल्मी गाने को भजन बना के गा दिया। तो आप इसके अगेंस्ट है कि फिल्मी गाने को भजन बनाया जाए? नहीं, फिल्मी गाने पर बनाया भजन तो हम भी गाते हैं, फिल्मी धुनों के भजन तो हम भी गाते हैं। अच्छा हमारे जो भजन है वो धुनों पर ही लिखे जाते हैं ना। वो देखिए उसका कारण है भाई साहब, एक्चुअली कोई गाना पॉपुलर हुआ, कोई भी गाना, पुराने ले लो नए ले लो, उस पर आपने भजन भजन बना के, बशर्ते आपके शब्दों में वजन होना चाहिए, तो आदमी फिर गाना भूल जाता है, धुन भूल जाता है। धुन भूल जाता है। आपके शब्दों में वजन अगर है, और फिर दूसरा डिपेंड करता है आपके प्रेजेंटेशन पर, कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, तो भूल जाते हैं लोग, तो भजन चल भजन होता है फिर, वो प्रॉपरली भजन होता है। कोई एक भजन आपको जो अभी याद आ रहा हो? बहुत सारे याद हैं अभी, जैसे रिसेंट भी, अब मैं उसका पहले मैं आप चलो गाना बताना कौन सा है। अच्छा हाँ, मैं मैं बताता भजन हूँ। बताता हूँ आपको, वो था वो, अपनी दुआ का मैं असर चाहता हूँ, तेरी कृपा की नजर चाहता हूँ। बहुत पॉपुलर गाना है। सर मैं गाने एक्चुअली इतने सुनता नहीं हूँ, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा हाँ, कौन सा गाना है, कौन सा गाना है। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, पुराना अच्छा गाना है। ये तो काफी पुराना गाना हाँ, है। बस ऐसे भजन, अब भजन शब्द ऐसे आए ना, आदमी गाना बोल जाएगा उस समय। तो आपकी अभी ऑडियंस कैसी है? मतलब अभी अभी आपको पुराने लोग बुलाते हैं नए? मैं कृपा भैया भगवान की, बढ़िया सुनने वाले लोग हैं, अच्छा जो भजन सुनना चाहते हैं, ये जो खुश भजन नसीब सुनना कहते चाहते हैं, हैं जो भजन सुनना चाहते हैं वो लोग याद करते हैं। तो आप अपने आप को जो आजकल पे जो इंस्टाग्राम पे जो हम लोग देखते हैं, जो जी कथावाचक भी हो गए या भजन गायक बहुत सारे आजकल आ गए हैं, तो आप उनसे अपने आप को कैसे डिफर करते हो? मतलब क्या फ़र्क है? फर्क ये है, हम भीड़ के लिए नहीं बुलाए जाते एक तो, अच्छा आप समझ समझना गए। मेरी बात, हाँ 10,000 आदमी क्राउड है जी ग्राउंड में, उसमें नहीं बुलाए जाते। जो पुराने मंडल हैं हमारे, जो संस्थाएं बनी हुई है, जिनको 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, वो लोग बुलाते हैं, और वो गायक के रूप में नहीं बुलाएंगे, वो श्याम प्रेमी बोल के बुलाते हैं, भक्त बोल के बुलाते हैं, और उसी सम्मान से बुलाते हैं। सम्मान दो तरीके से है, एक आपकी प्रसिद्धि से, एक आपकी अंतरात्मा से। जो अंतरात्मा से सम्मान है ना, आज मान लो मैं पॉपुलर हूँ, मैं छाया हुआ हूँ जगह जगह, तो आप पीछा करें हमारे ऑफिस में आए यार, स्टार आदमी है आज के ज़माने का, चल एक एक बेसिक आदमी है, इनको बुलाओ यार, तो ये खुश नसीबी अपनी। मतलब अच्छा पता है, लंबी भीड़ में गा के आनंद भी नहीं आएगा, क्योंकि जिस जमाने से गुजर के आए हैं ना यहाँ तक, वहाँ लंबी भीड़ वाला ज़माना नहीं था। वहाँ जितने लोग बैठते थे उस ज़माने में, वो सब सुनते थे और गाते थे साथ में, सब लोग एक लाइन में गा रहे हो, एक लाइन सब लोग गा रहे हैं बैठ के नीचे, मतलब संकीर्तन। अब आजकल हमारे जैसे भाई लोग, हमारी भाई बहन छोटे जो नए आ रहे हैं, माई टू डे डिवोशनल शो, भगवान का कभी शो नहीं होता, हाँ ये बहुत अच्छी बात बोली आप, भगवान का शो नहीं होता कभी भी, कीर्तन होता है। ना भगवान का प्रोग्राम होता है ना शो होता है। आपको कीर्तन बोलने में शर्म क्यों आ रही है, संकीर्तन बोलने में शर्म क्यों आ रही है, सत्संग बोलने में शर्म क्यों आ रही है, क्योंकि नाम तो वही है बाबा के कीर्तनों के पहले से, आज भी हम कीर्तन बोलते हैं। श्याम बाबा के भजनों का जो कार्यक्रम होता है उसको कीर्तन बोला जाता है, आज कीर्तन गाया जी, आज कीर्तन गाए, पुराने लोग इसी भाषा में बात करेंगे, बिल्कुल और नए लोग बात करेंगे आज आपका प्रोग्राम कहाँ है। हाँ तो प्रोग्राम नहीं होता बाबा का या किसी भी देवी देव का, भजन कीर्तन सत्संग होते हैं। तो ये खुश नसीबी है कि पुराने लोग जो हैं, जो भजनों के शौकीन हैं, जिनको लगता है कि आमने सामने की बात कोई कराएंगे, वो लिमिटेड लोग हैं हिंदुस्तान में गिने चुने, जो आज भी गा रहे हैं हमारे हमारे साथ वाले लोग, अच्छा जो बहुत इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं कि ये लोग इस तरह से भगवान ऑथेंटिक।
भजन गाते हैं? नहीं, ऑथेंटिक देखो, सबका जितना माल है सबका अपना अपना ऑथेंटिक है। अच्छा, अपन उसकी परिभाषा कैसे करोगे ऑथेंटिक कौन सा नकली को? नहीं मतलब मैं ऑथेंटिक इन द सेंस कि जो सिर्फ भजन ही गाते हैं, मतलब हाँ, मतलब उसमें फिर हमको दिखावा नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। आपको लगता है कि आजकल के जो कथावाचक और जो ये जितने भी भजन सिंगर आ गए हैं, बहुत ज़्यादा दिखावा और बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागने लग गए हैं? नहीं देखो, जो मैंने स्टडी किया ना, आजकल लोगों की मेंटलिटी पता क्या चेंज हो गई, कि जितना महंगा सामान उतनी ज़्यादा उसकी सुरक्षा। ये भी है, आप घर में कोई आइटम लाइए बहुत महंगा खरीदिए, उसकी सुरक्षा बहुत करेंगे आप, उसकी केयर बहुत करेंगे, उसको वैल्यू देंगे। तो आजकल जो एक रेटिंग चल रही है, आजकल के लोगों की थॉट बदल गई कि ये कितने रुपए, ये 15 लाख रुपए बस, फिर उसको 5-स्टार होटल भी चाहिए, उसको बाउंसर भी प्रोवाइड होंगे, उसको जो 15 लाख रुपए ले रहा है उसको आप धर्मशाला में तो रुकवा नहीं सकते, धर्मशाला में रुकवा नहीं सकते। भैया ये फ्लाइट वगैरह आज चल गई, हम लोगों ने ट्रेन के जनरल कोच में बैठ के सफ़र किया है बाथरूम के पास, वो ज़माना देखा है मैंने, रिजर्वेशन भी नहीं होते थे, कीर्तन आ गया, अब 7 दिन 3 दिन जाने के 3 दिन आने के, 7 दिन में एक ही कार्यक्रम होता था, आज एक दिन में 2 हो जाते हैं। लेकिन फैसिलिटी आप काम में अगर ले रहे हो ना, अगर मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ गाने का, तो उस पैसे का न्याय तो मेरे को करना ही पड़ेगा, मेरा फर्ज है कि जितना रुपया मैं आपसे ले रहा हूँ उतने रुपये का सामान तो दूंगा। बिल्कुल, आप किस फील्ड में हो आपको अंदर से विचार करना चाहिए इस बात का, खुद को, कि आपको किस चीज़ के लिए नियुक्त किया गया है यहाँ पर, आपको भजन के लिए, भजन गायक या भागवत वक्ता, एक वो शख्स है जिसको लोग बहुत फॉलो करते हैं, एक एक शब्द को। बिल्कुल, आज व्यास गद्दी पर कोई संत विराजते हैं उनको फॉलो करते हैं लोग, इन्होंने क्या कहे, इन्होंने क्या वचन बोला। अरे अपनी पर्सनल लाइफ जियो, मना नहीं है, लेकिन आप कुछ भी कर रहे हो उसको सोशल मीडिया पर दिखा रहे हो, लोग भी उसके पीछे पागल हो रहे हैं, अरे गुरुजी क्रिकेट खेल रहे हैं जी, गुरुजी वहाँ पर वो जिम में जिमिंग कर रहे हैं, वो क्यों दिखा रहे हो आप किसी को, दैट्स योर पर्सनल लाइफ। आप अगर इस आध्यात्मिक क्षेत्र में हो तो कम से कम इतना दिखाओ कि लोगों की श्रद्धा आपके लिए बनी रहे, वो श्रद्धा फिर बहुत दिन तक चलती नहीं है, आप जब नौटंकियाँ शुरू करते हो ना बहुत दिन नहीं चलती। और हम लोगों की खुशनसीब है कि आज 35 साल हो गए, 36 साल अभी तक भगवान की कृपा है, एक बिल्कुल स्मूथ जैसे गाड़ी चलती है ना, एक गियर में ऐसे चल रही है, ना उतार ना चढ़ाओ। अच्छा, हिट होने की इच्छा कभी रखी नहीं जीवन में? क्यों नहीं रखी? हिट होने वाला आदमी डाउन जरूर होता है, जीवन का नियम है, जो हिट होगा जो ऊपर जाएगा वो नीचे भी आएगा, नीचे भी आएगा। तो अपने को ऊपर जाना ही नहीं था कि नीचे आना पड़े, एक लाइन से स्मूथ धीरे 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 चलते रहो, डे बाई डे चलते। देखो बहुत से लोग आपके इस लॉजिक से ना अग्री नहीं करेंगे, ऊपर तो सब जाना चाहते हैं, जाओ ना आप अपनी अपने फील्ड में टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, पहुंचो, लेकिन पहुंच के नीचे जो पाओगे उसको फेस करने की क्षमता रखो ना अंदर, फिर हमेशा तो आपका सिंहासन नहीं बना रहेगा ना, नीचे आने पर फिर क्यों डिप्रेशन में आते हो? वो तो किसी भी, देखो एक नियम है दुनिया का, जो स्टारडम देख लेता है ना, नीचे आने पर अपनी जिंदगी सहन नहीं कर पाता वो आदमी। ये तो है, आप तो इस फील्ड के आदमी हो, दिन रात मुलाकात होती है लोगों से आपकी। मैं आपको बताता हूँ, शाहरुख खान को सिर्फ एक ही चीज़ का डर है कि कल को वो घर से बाहर निकलेगा और बाहर 1000 लोगों की भीड़ नहीं होगी। नहीं होगी तो क्या होगा? नहीं होगी तो पैसे का वो टेंशन नहीं है उसको, उसको ये डर है कि लोग मुझे पहचानेंगे नहीं बस, या लोग मुझे उस तरीके से प्यार नहीं करेंगे जो आज कर रहे हैं। स्टारडम की चाह रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके स्टारडम खत्म होने के बाद के जो फेज है ना लाइफ का, उसको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए आप में। हम जब स्टार बने ही नहीं तो हमको डाउनफॉल का क्या डर है? बिल्कुल, अरे स्मूथ लाइफ चल रही है इतने सालों से एक साथ, ना उतार ना चढ़ाओ। मैंने 20 कीर्तन करने तो करने ही है, कोई पोस्टर बॉय बनने की झंझट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई प्रसिद्धि नहीं, कोई बाउंसर नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मली 3 लोग गए, भजन किया, अपना पैसा लिया, घर वापस, काम खत्म। अच्छा, चिंता ही नहीं इन सब बातों की। मैं क्यों डरूं कि साहब मैं नीचे गिरूंगा, जब शुरू से एक 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 प्लेटफॉर्म पर चल रहे, बिल्कुल स्मूथ एकदम गाड़ी चल रही जीवन की, जरूरत ही नहीं। तो आप कह रहे हो जब ये लोग नीचे आएंगे जो आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं, आप देखना वर्तमान जो है ना, वर्तमान की जो पीढ़ी है, पेशेंस खत्म हो चुका। बिल्कुल, अभी जो यंग जनरेशन है, चाहे वो कोई भी कथावाचक हो, उसको इंस्टाग्राम जनरेशन बोलता हूँ, क्योंकि उनके पास 30-30 सेकंड का टाइम होता है उनके पास। उनकी सोच पता है क्या है? रील छोटी बनाना, क्योंकि ज्यादा लोग सुनते नहीं है। आप में ताकत होनी चाहिए परोसने की। बिल्कुल, आपके चेहरे में इतना दम होना चाहिए कि लोग अगर एक भजन आप पूरा गा रहे हो उसको पूरा सुने लोग बैठ के। आप क्यों टुकड़े टुकड़े गाते हो जी?
आप में इतना दम नहीं कि एक वजन पूरा प्रेजेंट कर सको आप, डरते हो आप कहीं वजन फ्लॉप ना हो जाए, मैं फ्लॉप ना हो जाऊँ, इसलिए आप टुकड़े टुकड़े गा रहे हो, एक वजन का एक टुकड़ा, दो वजन का वो टुकड़ा, तीन वजन का टुकड़ा। आप में परोसने की ताकत होनी चाहिए, सामने वाले को अपने फ्रेम में फिट करने की ताकत होनी चाहिए, आपकी वाणी में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप जो बोल रहे हो सामने वाला बैठ कर गौर से सुन रहे हैं आपको। उसके लिए अपनी गुडविल और अपने अपने आप को बनाना पड़ता है सर। और सर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाती है जो कथावाचक हैं या भजन गायक जो हैं आजकल की जनरेशन को धर्म से जोड़े रखने के लिए भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्हीं लोगों की, है ना। देखो धर्म से जोड़े रखना एक अलग टास्क है, एक अलग टास्क है। धर्म से जोड़े रखने के लिए खुद को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है सर। बिल्कुल, मैं मानता हूँ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बड़ी चीज़ है आज के ज़माने में जन जन तक पहुँचने के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आज आप देखो अभी मेरा एक गाना हिट हुआ भजन, बाई चांस कभी कान में पड़ा हो आपके, जितने धर्म है अपने सब धर्मों में अपनाया गया वो। कौन सा सर? सब धर्मों में रील के रूप में अपनाया गया, मेरा बहुत हिट हुआ गाना, मेरा भजन गाया हुआ, रंग तूने प्रेम का जो मुझ पे चढ़ाया, सच को जीने का मजा ही अब आया। रंग तूने, मतलब इतना हिट हुआ ना भजन हर धर्म में, मैंने देखी रील्स उसकी। अच्छा, मैं फिगर बोलूंगा तो आप शायद शॉक्ड होंगे, 1.5 लाख रील बनी उस पर, ट्रेंडिंग था 6 महीने होगा इंस्टाग्राम। अच्छा। पर आप सर्च करेंगे रंग तूने प्रेम का, सबसे पहले आएगा अपना गाना। लेकिन मैं तो कभी, ठीक है चल गया, भगवान की कृपा होगी, चल गया, क्या होगा, एक गाना चलने का मतलब मैं अपने 5 लाख रुपए थोड़ी बढ़ा दूंगा यार। ये तो भजन गीत है, समय कल कोई दूसरा आएगा। मुझे लगता है सर इनको, इन लोगों को मुझे नहीं पता कि कितना चार्ज करते हैं लोग। सबका अपना अपना सिस्टम है। अच्छा। चार्ज करना बुरी बात नहीं, लेकिन चार्जेस के बदले में न्याय होना चाहिए, बस मेरा इतना सा कहना है। आप 10 लाख लो, कोई मना नहीं, आप में लेने की क्षमता तो आप ले रहे हो, देने वाले की ताकत तो वो दे रहा है, आपके नाम को दे रहा है, आपका जो वर्तमान समय चल रहा है उसको दे रहा है भगवान की कृपा को, लेकिन उसका नजायज फायदा। पर सर मुझे एक प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे ये भगवान का काम है, ठीक है, अभी मेरे पास इतना मादा नहीं है कि मैं 10 लाख रुपए किसी को दे सकूं, पर मैं उनको इनवाइट नहीं कर सकता क्योंकि वो उससे कम में आएंगे नहीं। हाँ नहीं आएंगे, वो सिस्टम उनका एक पैरामीटर सेट है ना उनका। हाँ। कि मेरे को तो पर्टिकुलर इतना ही रुपया लेना है, इतना ही काम करना है, तो फिर ये भगवान का काम थोड़ी हुआ सर। नहीं देखिए भगवान का काम, या तो आप बिल्कुल 100% निःशुल्क सन्यासी हो आप जी, आप सन्यास ले लो कि भाई मुझे अब कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, अपना कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन कोई आदमी अगर 24 घंटे एक काम करेगा तो आजीविका का साधन भी तो चाहिए ना। नहीं वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि आप कमाओ। हाँ, पर मेरे पास अगर कम है तो वो भी कमा लो ना। तो वो अगले की सोच पर डिपेंड है ना। आप चले जाते हैं आप कोई? हाँ मैं जाता हूँ, मैं खुलकर कह रहा हूँ आपके सामने, मतलब मुझे मेरे जीवन में कोई उंगली उठा के नहीं कहता संजय पारिक जी ने पैसे खातिर कीर्तन कैंसिल कर दिया। अच्छा। यस सर, मैं खुल के कह रहा हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं बोलने, मुझे गर्व है इस बात पर, भगवान की कृपा पर। जब से मैं स्टार्ट हुआ हूँ, जब से मैं कुछ लायक बनाऊँ कि लोग मुझे बुला सकें, जब से मैं लायक बनाऊँ, मैंने पैसे खातिर, उसमें एक शर्त है, बशर्ते वो सामने वाला इंसान एक्चुअल प्रॉब्लम में हो, वो डिजर्व करता हो। डिजर्व करता हूँ, बेवकूफ़ बनाने वाला काम नहीं चाहिए कि आप पास सब कुछ है फिर हमको देने के लिए कुछ नहीं। अगर वो डिजर्विंग है उसके बाद कुछ नहीं, तो मैं हाजिर हूँ भजन के लिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बुलाओ ना। क्या फ़र्क पड़ेगा जी, एक कीर्तन में अगर हो गया तो महीने में एक, कुछ भी नहीं, क्या फ़र्क पड़ेगा। आप इतना मोटा पैकेज महीने का कमा रहे हो, एक कीर्तन अगर किसी कर दिए कुछ नहीं मिलेगा सर उस दिन, वो जो दुआएं मिलेगी ना, सम्मान जो मिलेगा, वो जो दुआएं मिलेगी अंदर से, बहुत काम आती है बुरे वक्त में। वो किसी भी पैसे से ऊपर है, वो बुरे वक्त में बहुत काम आती है, जहाँ पैसा काम नहीं आता वहाँ वो दुआएं काम आती है। बिल्कुल, जो उस दिन आपका मगल है अंदर से दुआएं निकली। बहुत इंसिडेंट है मेरे जीवन में से। अच्छा। जहाँ पर हाँ मतलब रोए घर वाले कि आप हमारे घर में, माना मैं गाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, आज भी वो लोग जानते हैं मेरे को। वो तो सर अगर आप किसी ऐसे बंदे के घर चले जाएं या किसी ऐसे व्यक्ति के घर चले जाएं जहाँ पे वो एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि आदमी हमारे घर आ सकता है, तो उनका तो वैसे ही खुशी के हमारे, मैं सबसे मिलता हूँ सर, सबसे मिलता हूँ मैं, मेरे नेचर में है। अच्छा। खाटू हम लोग जब जाते हैं पब्लिक प्लेस पर, मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि साहब संजय पारिक जी ने हमको इग्नोर या अवॉइड कर दिया। अच्छा। मैं सबसे मिलता हूँ, कोई अगर मुझसे प्रेम से मिला आके मैं बहुत सम्मान देकर मिलता हूँ। मेरे गुरु जी द्वारा, मेरे पिताजी द्वारा ये सिखाया गया कि जीवन में कुछ बन जाओ तो नीचे वालों को मत भूलो कभी भी। मैंने भी एक, मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, मैंने एक को इनवाइट किया था पॉडकास्ट पे आने के लिए, वो भी काफ़ी फेमस हैं आजकल, तो उन्होंने मुझे 3.5 लाख रुपए कोट किया था।
मतलब आप देंगे उनको? हाँ वाह, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ेगा उसमें? कोई नहीं, मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब मेरा वो लेवल होगा कि खुद करेंगे। ऐसे आदमी के पीछे नहीं भागना चाहिए। नहीं सर, फिर वो मेरे पीछे भागेंगे। बस आप अपने आप को ऐसा बनाओ ना जी कि अगले का फोन आए, बिल्कुल सर मैं आना चाहता हूँ, आप क्या बोल, बताओ क्या करना है, कहाँ हूँ, इसमें क्या होगा? मैंने आपसे बढ़ते ही क्या कहा कि आज आपके साथ बैठा हूँ, ये चमत्कार है मेरे जीवन का एक। मैं खुलेआम कह रहा हूँ आपसे, मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में। इतने साल की उम्र के बाद भी अगर मैं बैठा हूँ इस पोजिशन में बैठा हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, और भगवान के प्रति बहुत धन्यवाद। ये मौके हैं जीवन के, बिल्कुल सर, किसी को वैल्यू हो नहीं हो। स्टूडियो कितना बड़ा डेकोरेटेड है वो नहीं, सब्जेक्ट क्या है जी, हम मतलब क्या टॉपिक है और किस जगह बैठ के बात कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म क्या है, स्टूडियो का डेकोरेशन, या आपके बड़े नाम होने से थोड़ी फर्क पड़ता है, बाहर क्या जा रहा है, बाहर लोगों तक क्या जा रहा है, हम किस सिस्टम में बात कर रहे हैं बैठ के, उस पर करता है डिपेंड सर जी। तो होना, हाँ आप कुछ बोल रहे थे, होना यही चाहिए, होना ही चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, बिल्कुल। अरे आज है कल नहीं है, कल है आज नहीं है, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है जी। आप अगर पैसे पे किसी के चले गए, आपका भी तो टाइम कभी खराब आ सकता है, बिल्कुल फिर क्या करोगे? मैंने कहा ना स्टार बनने की कोशिश ही नहीं की कभी, बहुत स्टार है अपन जीवन में, आपके आशीर्वाद से, बाबा की कृपा से खूब नाम है, जिनकी नज़र में वैल्यू, उनकी नज़र में इतनी वैल्यू है कि वो मतलब इतना सम्मान देते हैं, और अपन तो, और सम्मान देने वाले कैटेगरी बहुत ऊपर की, अच्छा वो बहुत ऊपर की कैटेगरी के लोग हैं जो सम्मान देते हैं, जो डेट बदल देते हैं कई बार अपने कार्यक्रम की, अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है फला डेट, बट ठीक है बोलो वो वाली देखो जरा, वो भी नहीं है तो रुको फिर यार, आप बताओ कौन कौन सी है, इसमें से एक रखते हैं, ये सम्मान है ना, बिल्कुल, ये भगवान की कृपा है ना, लेकिन उन लोगों की कैटेगरी है प्राथमिक, कृपा है भगवान, और मैं तो ये चाहता हूँ भगवान सारी गुजर गई, थोड़ी सी और बची है, बस इसी तरीके से गुजरनी चाहिए, इसी लेवल पे गुजर, हाँ नहीं चाहिए यार स्टार्टअप क्या करोगे बताओ, अपने घर वालों से दूर। आप पहले व्यक्ति हैं जो मैं, जो जिनसे मैं मिला हूँ, जो कहते हैं कि मुझे स्टार बनना ही नहीं है। नहीं भैया मुझे आप फैक्ट बताओ, क्या करोगे बन के बताओ आप, ये बात भी है, आप में ताकत नहीं रह पाई जा पाएगी डाउनफॉल का सामना करने की, फिर जिस चकाचौंध से आप गुजरोगे ना ऊपर जाके, उस चकाचौंध वो जब नहीं मिलेगा ना नीचे, चार छल्ले की गाड़ी, लंबी गाड़ियाँ, आसपास सिक्योरिटी नहीं मिलेगी ना, जिस दिन अकेले रोड पर निकलोगे पहचानोगे नहीं, आप आत्महत्या कर लोगे उस दिन। क्यों बड़े बड़े स्टार डिप्रेशन में आते हैं, अंत समय बड़ा ख़राब निकला, क्योंकि वो फेस नहीं कर पाते फिर बात की लाइफ को, एक समय जब जाता खूब चकाचौंध, खूब पैसा, लाइफ लाइट, ये वो, बाद में सामना करना पड़ता ना अंधेरे कमरे का, आदमी जीते जी मर जाता है सर, तो वो काम, वो हैबिट में मत लाओ ना अपनी, बिल्कुल हाँ ठीक है समय है अभी अच्छा चल रहा है, खूब कमाओ, खूब बढ़िया बढ़िया करो, जब तक शरीर साथ दे रहा है, गला साथ दे रहा है, उसको बुराई नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा मेरे आगे पीछे पाँच चेले घूमे, दस चेले घूमे, मेरे को लोग मेरी जय जयकार करें, नहीं जय जयकार भगवान की करो भैया, हम आपके साथ। तो आप रियाज करते हैं संजय जी? नहीं सर, या समय ही नहीं मिलता? नहीं समय का सवाल नहीं, आदत में नहीं, अच्छा बस जितना गाता हूँ उतना ही रियाज है बस, मतलब महीने में इतना गा लेते हैं कि वो रियाज होता है, मैं तो नहीं करता, मैं झूठ के बोलूँ मैं क्लासिकल सीखता हूँ, कुछ नहीं सीखता, ये जितना भी है इतने साल की जो जर्नी है वो सब भगवान की कृपा है बस। तो खुद आपने आप में आप, मुझे लगता है फिर वो खाटू श्याम जी के चमत्कार ही हुए बस, जो हमें चमत्कार ही, सच में चमत्कार, मेरा कोई लेना देना नहीं था, परिवार में कोई जानता नहीं था, अब तो खैर बच्चे लोग माए बाप हो गए खाटू श्याम जी, लेकिन जानते भी नहीं थे, एक टाइम था जब बच्चे लोग कहते बोल पापा, बोल भजन सिंह रजे हमारे पापा, हमको बाकी नहीं पता, अब तो खैर भगवान उनके लिए माए बाप हो गए श्याम बाबा, लेकिन मैं कभी ना कुछ सीखा न कुछ, और जो है बस वो पता नहीं कैसे बस भगवान ही सुन रहा है बैठ के। तो संजय जी यूथ के लिए कुछ बताइए ना कि उनको धर्म से कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत मुश्किल है, आजकल की जो सोसाइटी है, जो हम लोग जिस तरीके से रहते हैं, हम लोग तो बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं। नहीं एक फर्क आया भाई साहब, यूथ धर्म से तो जुड़ रहा है लेकिन एक अलग रूप में जुड़ रहा है। कैसे? राम जी का मुद्दा ले लो आप, जैसे आप श्याम बाबा का छोड़ो, श्याम बाबा की भीड़ तो आप जब जाएंगे ना तब आंखों से देखेंगे तब मालूम पड़ेगा किस तरह की भीड़ आ रही है। नहीं वो तो मुझे मैंने सुना है क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जाते हैं। नहीं मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, किस तरह की भीड़ आ रही है। अच्छा हाँ राम जी का नाम ले लो, चलो जी अभी राम मंदिर का मुद्दा चला बीच में। हाँ देखो राम का नाम श्रद्धा का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, राम का नाम झंडे लेकर रोड पे जोर जोर से डीजे बजाने से धर्म नहीं होता है। बिल्कुल बहुत सही बात बोली आपने, राम का नाम आप चाहो ना राम राजा जाए बाजार में झंडे लेकर
और दूसरे से मारपीट करने पर, मुझे एक बात का मैं उदाहरण देता हूँ, आपका घर है, आपके घर के बाहर जाके मैं शोर शराबा करूँ, आप कब तक सहन करोगे? एक टाइम आएगा जब एक बार समझाओगे और ना समझाओगे। हम पता है क्या कर रहे हैं, हम दूसरों को उकसाते हैं उनके घर के बाहर जाके जोर जोर से डीजे बजा के, और फिर कहते हैं साहब लड़ाई हो गई। उसमें दोष किसका है? आपका, क्योंकि आप वहाँ जाके चिल्ला रहे हो। आप सीधा सीधा राम का नाम लो ना, भक्ति सर अंदर होनी चाहिए, भक्ति से करो ना। ये डीजे बजा के चिल्ला के तलवारें दिखाने से राम का नाम थोड़ी आएगा सर। राम का नाम दुश्मनी का प्रतीक नहीं है, राम का नाम आक्रोश का प्रतीक नहीं है, राम का नाम श्रद्धा का प्रतीक है, शांति का, मर्यादा का प्रतीक है राम का नाम। कौन ले रहा मर्यादा से राम का नाम, मुझे बताओ? कोई भी। हम लोग उग्र हो जाते हैं राम का नाम लेते हैं, नहीं हम सनातनी, सनातनी ऐसे नहीं होते। लेकिन गलती क्या है, गाइड करने वाले सही तरीके से अगर गाइड करें कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, शांति ढंग से राम का नाम हो, समृद्धि हो। भाई हम दूसरे को गलत क्यों कर रहे हैं? अपनी गलती कौन देख रहा है? मुझे बताओ हम क्या गलती कर रहे हैं, पहले वो एहसास करो ना। हम सामने वाले को गलत बता रहे हैं, ये हमारे को ये कर दिया, जुलूस निकला हमको मार दिया, तुमने उस जुलूस में क्या किया वो किसी ने नहीं देखा। सही बात है। तुमने जब शोभा यात्रा निकली, तुमने चार डीजे बजाकर क्या किया वो तुमने नहीं देखा। तो डीजे भी इतनी जोर से बजते हैं, अगर वो एक किलोमीटर दूर भी बज रहा होता है ना तो घर के शीशे हिलते हैं। तो डीजे बजाने से राम नाम नहीं आएगा ना सर, हल्ला मचाने से राम नाम थोड़ी आएगा। आप कौन से सनातन की बात कर रहे हो? जगाओ, जगाना बुरी बात नहीं है, लेकिन जगाकर उग्र मत बनाओ, मेरा कहने का मतलब ये। अगर आपकी जगाना ड्यूटी है कि साहब धर्म के लिए सोए हुए लोगों को जगाओ, अरे भैया देखो जागो यार थोड़ा सा, जगा के मर्यादा सिखाओ ना, उग्र क्यों बना रहे हो उनको? उग्रता सिखाओगे तो फिर बंटवारा होना ही होना। बिल्कुल ये बात है ना सर जी। तो अमर आपने ये नहीं बताया कि उनको जोड़ा कैसे जाए। जोड़ा इसी तरीके से जाए, जुड़ रही है युवा पीढ़ी, फिर बता रहा हूँ। हाँ। हमारे कीर्तनों में जुड़ती है युवा पीढ़ी, नई जनरेशन बहुत आ रही है। अच्छा। लेकिन नई जनरेशन को ये गलती हम लोगों की है कि हम लोग प्रॉपर तरीका नहीं बता रहे। हम केवल ये चिल्ला रहे कीर्तन में खड़े होकर खाटू जाओ, लेकिन हम ये नहीं बता रहे उनको खाटू क्यों जाओ और खाटू किस सिस्टम से जाओ। हम ये नहीं बता रहे, हम अपने आप को हिट करने के तरीके बता रहे हैं उस युवा पीढ़ी में। हम हिट हो जाए कैसे भी करके, खाटू जाओ खाटू जाओ खाटू जाओ चिल्ला रहे हैं कीर्तनों में खड़े होकर हम लोग। लेकिन हम उनको ये नहीं बता रहे खाटू क्यों जाओ, तो क्यों जाना, खाटू जाने से क्या होता है, आपको क्या मिलेगा खाटू जाकर, ये नहीं बता पा रहा कोई। बस यही गलती इससे हो रही है। वैसे क्यों जाना चाहिए सर? आप श्रद्धा के लिए खाटू जाओ। खाटू का वो दरबार है जहाँ पहली बार जाने से काम बनता भैया, पहली बार। लाखों उदाहरण है मेरे सामने, लाखों, एक दो नहीं, जो फर्स्ट टाइम गया एकदम 100% तकलीफ में आके किसी के कहने से, और इतना रोते हुए गए और खुश हो गया है, बोले बाबा घर पहुंचने से पहले वो काम तैयार मिला कि ये लो भाई तुम्हारा काम। ये उस दरबार की खास बात है, बताता हूँ आपको। सबके काम बनते हैं, हम तो आज यहाँ तक आ गए उसकी कृपा से। जो पहली बार गया विश्वास लेकर, उसका काम फेल नहीं हो सकता उस दरबार में जाकर। अच्छा, ये गारंटी, वो वरदान मिला उसको कि तुम्हारे दर्शन मात्र से और तुम्हारा नाम लेने से लोगों को काम बनेंगे। वो वरदान फेल तो नहीं हो सकता ना? वो आज अभी तक वो क्या कहते हैं, वो हारे हुए की साइड से है। अभी तक नहीं, अब तो कलयुग की शुरुआत हुई है भी। अभी तो आप देखो कितना कितना पला, आज जो लोग जानते नहीं थे आज के 5 साल पहले, वो हर क्या हर एक काशी खाटू जाते हैं वो लोग। लेकिन उनका जाने का पर्पज दूसरा हो गया। खाटू जाओ बस अपने मतलब के लिए, खाटू जाके अव्यवस्था मत फैलाओ। बाबा के जो जयकारे हैं ना, उन जयकारों को मर्यादा में लगाओ। बहुत अच्छे अच्छे जयकारे बाबा, तुम कुछ भी मुंह में आ रहा है बोल रहे हो, जो तुम्हारे कान में पड़ रहा है तुम सुन रहे हो। मैं कीर्तनों में बोलता हूँ कि अपने मुंह का और कानों का स्वाद खराब मत करो। कुछ भी गा रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, क्यों? क्या भजन खत्म हो गए? एक जमाना चल रहा आजकल रील्स का। हाँ, रील्स बन रही है, चाहे वो किसी भी देवी देवता की हो, शंकर भगवान की, मातेश्वरी की, किसी। फिल्मी गाने क्यों लगाते हो जी? क्यों प्रॉपर जो फिल्मी गाने होते हैं। मैंने भी एक रील देखी श्याम बाबा की, करीब 30-35 सेकंड की थी वीडियो पूरा, उसमें गाना चल रहा तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। बट भजन खत्म हो गए, 10 लाख भजन होंगे बाबा के गाए हुए, ऑडियो रिकॉर्डेड लोग होंगे 10 लाख। भजन लगाओ यार, दरबार है, दरबार को दरबार रहने दो। श्याम बाबा का दरबार कहलाता है, उसकी महिमा बनी रहनी चाहिए। जो बाबा का मंदिर है ना वो दरबार कहते हैं लोग उसको, तो उसको दरबार बना रहे थे ना। उसको क्यों इवेंट की जगह बना रहे हो आप?
एक केवल चंद लाइक्स खाते अपनी रील्स को प्रमोट करने के लिए आप फिल्मी गाना लगा रहे हो उस पर। आपको होश ही नहीं, भजन लगाओ ना उस पर, क्यों मर्यादा खराब कर रहे हो? वो मैं पर्टिकुलर बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी दरबार की बात। हाँ सर, केदारनाथ पे भी अभी जो भीड़ हाँ। जाती है उसमें से आई थिंक 50-60% लोग सिर्फ इस वजह से जा रहे होते हैं कि उनको जाके इंस्टाग्राम पे रील डालना, एडवेंचर करने जा रहे हैं, घूमने निकल गए 15 दिन के लिए, एडवेंचर है उनके लिए, श्रद्धा से या नहीं तो उससे आप देखो ना, ये जो जितनी त्रासदियाँ हो रही है, जितनी जो दुर्घटना है, इसका कारण क्या है? मर्यादा की एक लिमिट होती है, जिस दिन वो भंग होती है उस दिन फिर कोई रोक नहीं सकता त्राही त्राही मचाने से। पंगे भी उन भगवान से ले रहे हो जो क्या कहते हैं सब कुछ नष्ट करने उन्हीं से के लिए। क्यों? आप देखो ना, इधर वैष्णो देवी जाओ तो आजकल जब नया शादी हुई क्यों यार हनीमून मनाने वैष्णो देवी जा रहे हैं। हाँ ये भी एक ट्रेंड है। क्या ट्रेंड है? घूमने जाने के स्थान थोड़ी है। कहाँ जा रहे? वृंदावन घूमने जा रहे हैं जी। अरे बिहारी जी के दर्शन करने जाओ, ठीक है वृंदावन में बहुत कुछ है देखने के लिए, आप दर्शन करो, घूमने जाना क्या होता है यार? वो पहले होता था ना सर, चार धाम पे आदमी तब निकलता था, अब उसको भरोसा नहीं होता था कि वापस आएगा। पहले क्या होता था, मैंने देखा है पुराने ज़माने में हमारे दादा लोग बाबा लोग के टाइम पर, कि विदा कर दिया जाता था माला पहनाकर चार धाम यात्रा के लिए, कि आ गए तो ठीक और नहीं आए तो भगवान के पास विदाई है तुम्हारी। साधन होते नहीं थे, एक बस कर ली यात्रा कंपनी वाले ने, 50 लोग इकट्ठे हो गए, अब वो महीने में आएगी 2 महीने में आएगी, आ गए तो ठीक। अच्छा इतने साधन भी नहीं थे, जो एक्चुअल थे पहाड़ वहाड़ वही सब जाना है हाँ। तो माला पहना के विदाई दी जाती थी, बकायदा माला पहना के, कि साहब एक तरह से ये भगवान करे आप आओ, लेकिन ये आखिरी दर्शन है बड़े बुजुर्गों के, विदा किया जाता था यात्रा के लिए कि साहब कल के आओ, हम चाहते हैं आप आओ, और आ गए तो फिर तो जबरदस्त स्वागत होना ही है फिर पूरे परिवार का, जिंदगी का आखिरी पड़ाव माना जाता था, आखिरी पड़ाव माना जाता था। अब हर आदमी कहाँ जा रहे, केदारनाथ जा रहा हूँ जी, हमारे में से खाटू श्याम चल रहे हो घूमने? अरे बहुत खाटू श्याम जी घूमने, घूमना बंद करो, दर्शन करने जाओ बाबा के। ये बहुत सही बात है कि घूमना बंद करो। कई बार मैं टोकता हूँ जब दर्शन की लाइन लगती है, मैं देख रहा हूँ लाइन में लगा हुआ आदमी, कोई बालक है कोई 15-16-17-18-20 साल का, अब लाइन में लगे हुए, आगे लाइन चल रही है और आपका कैमरा चालू है, रील बना रहे हैं वहाँ पर। मैंने एक दिन टोका एक लड़के को, मैं बेटा सुन कहाँ से आया? बोले सर अंकल मैं बहुत दूर से आया। कब आया? बोले मैं तो दूसरी बार आया हूँ बड़ी मुश्किल से। मगर इस कैमरे को बंद कर, जो देख रहा है वो देख, और भगवान को थैंक यू कर इस लाइन में कि बाबा आपने बुलाया और आपकी तरफ बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, फिर देख कितना मजा आएगा। ये रील तो बना रहा है, कल ये मेमोरी फुल हो जाएगी, इसको डिलीट कर देगा। तो उसको प्रार्थना कर, उसको थैंक यू बोल कि आप मुझे बुला रहे हो, मैं आपकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद, एक बार मुझे देख लो बस, दर्शन कर। या क्या नील वील बनाने में लग रहा है यार, रियल का जमाना खत्म हो गया, रील का जमाना शुरू हो गया। रियल तो कुछ रहा ही नहीं ना, बिल्कुल नहीं रहा सर। और हमारे यहाँ पर तो एक खाटू में जब एंटर करते थे कि तोरण द्वार बना हुआ है बहुत बड़ा सारा, बहुत बड़ा गेट बना हुआ है, तोरण द्वार बोलते हैं उसको, उसके अंदर से निकलते थे, उधर का रास्ता ही बंद हो गया। एट ए टाइम कम से कम 500-1000 आदमी रहता है वहाँ पर रील बनाने के लिए, रील ही बना रहे हैं लोग, बस गाड़ी पे खड़े हो गए, मतलब बेहूदा तरीके से, बदतमीजी, बेहूदा तरीके से। प्रोफेशनल फोटोग्राफर खड़े हुए, इंस्टेंट फोटो वाले खड़े हुए, वो गोल गोल चक्री घूमती आजकल वो फोटोग्राफर खड़े हुए, तोरण द्वार पे खड़े हुए, मतलब ट्रैफिक, लिटरली ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया आधा किलोमीटर पहले से, डाइवर्ट, गाड़ी जाती थोड़ी वहाँ तक। अब ये तो मुझे लगता है सर ये फ़ोन ना आई थिंक मंदिर से 3 या 4 किलोमीटर दूर के एरिया में अलाउड ही नहीं होने चाहिए। बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आई थिंक केदारनाथ पे बना किया था फिर अलाउड कर दिया। मैं तो बहुत खुश था, मैं बहुत खुश था जब ये न्यूज़ मैंने सुनी थी कि ये बंद कर दिया वो, ठीक है। एक तो मुझे पता था कि जो भीड़ है ना वो 30% रह जाएगी जिस दिन ये रील बनानी बंद करवा दी। मैं तो एक बात बोलता हूँ, आज खाटू श्याम जी में भीड़ बढ़ रही है क्योंकि वो दे रहा है लोगों को। मैंने एक भजन गाया था बीच में भी, एक भजन में कि तुम देना बंद कर दो, भीड़ 20% रह जाएगी। सर हम लोग इंसान मतलब ही तो होते हैं ना, भगवान से भी मतलब से लिए बात करते हैं। खाटू में भीड़ बढ़ रही है भाई, वो दे रहा है सबको, दे रहा है किसी भाव से उसको दे रहा है, तुम मेरी शरण में आया ले जा, आप प्रभु आप देना बंद कर दो, भीड़ 20% भीड़ रह जाएगी तुम्हारे दरबार। अच्छा, क्योंकि लालच लोगों को सबको, सबने सुन लिया कि तुम्हारे के सारे हो, तुम सबको देते हो, हर आने वाले को देते हो, लोग जा रहे, भीड़ बढ़ रही। खाटू जाने का एक प्रोसेस है, आप घर से अच्छे मन से निकलो, आप कभी जाओ खाटू तो एक मूड बना के जाना अपने घर से कि प्रभु मैं आ रहा हूँ, बस मुझे स्वीकार करो, आपको बहुत मज़ा आएगा दर्शन करने। अच्छा, बहुत मज़ा आएगा दर्शन करने में, आपको लगेगा वहाँ पहुँच के कि वो मेरा इंतज़ार कर रहा है बैठकर, खुश होगा आपको देखकर। और एक आप घर से अनमने मन से और लड़ाई झगड़ा करके वैसा ही मूड में आपको दिखाई भी देगा, बहुत चमत्कारी देव है श्याम बाबा।
अच्छा, आप जिस मूड से देखोगे आप उस मूड, मतलब हम लोगों ने महसूस किया फागुन का जो मेला होता है क्राउड वाला मेला, 24 घंटे दर्शन खुले रहते हैं नॉन स्टॉप, 36 घंटे तक, 48 घंटे तक, जब विदाई होती है ना बारिश की शाम को, द्वादशी की शाम को, मतलब आप जब पहुंचोगे 3-4 दिन पहले मेले में तो एकदम फ्रेश, फूल वूल लदे हुए, एकदम बिल्कुल झकाझक, और जब लौट के आप आओगे साफ मालूम पड़ता है कि आंखें भरी भरी, थकी थकी, चेहरे पर साफ दिखाई देता है मूर्ति के, इतना सजीव देव हमारा श्याम बाबा, साफ मालूम पड़ता है चेहरा बुझा बुझा सा, आंखें सूजी हुई, थका थका, आंखों में नमी के लोग जा रहे हैं अब, यस ये श्याम बाबा है। तो आपने कभी मूर्ति के लिए कोई भजन लिखा है सर, जो उनकी ही महिमा को और उनके जो भजन सारे उनकी महिमा की है? अच्छा हाँ, मूर्ति के लिए स्पेशली क्या, मतलब श्रृंगार के भजन होते हैं जैसे, हाँ तो मूर्ति के लिए स्पेशल नहीं कि आप मूर्ति को जैसे बोलती है मूर्ति बुला के देख ले, इस तरह से होते हैं भजन वो तो, लेकिन ये कहने वाली बात है नहीं, ये महसूस करने वाली बात है सर। ये तो मैं चलो आपसे बात कर रहा हूँ, आप कभी जाएँ अच्छे मूड से जाके, थोड़ा सा बिल्कुल प्रसन्न मूड से, एकदम प्रेजेंट मूड से आप जाइए, आपको बहुत मजा आएगा दर्शन करने में। इतनी सजीव मूर्ति, एकदम 100% मूर्ति क्या, मतलब वो कुछ भी कर सकता है, मतलब मेरा सोच रहा तो ये कुछ भी असंभव को संभव करने वाला बाबा है। अच्छा, यही मूर्ति श्री राम मंदिर में जो लगी अयोध्या में, वो उस दिन देखा था हम लोगों ने, वो जब मूर्ति पहले फोटो थी और जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो शक्ल थी वो बिल्कुल चेंज थी। वो होता है, प्राण आ गए ना अंदर भाई, मूर्ति में प्राण डालोगे तो शक्ल तो चेंज होगी ना। आप प्राण प्रतिष्ठा का मतलब आपने प्राण डाले उसके अंदर, मंत्रोच्चार द्वारा, वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा, हवन द्वारा, ब्राह्मण लोग जो बैठ के मंत्रोच्चार करते हैं, प्राण डालते हैं मूर्ति के अंदर, तो वो डेफिनेटली चेंजेस तो आने ही है ना, जब प्राण पड़ेंगे किसी चीज़ में तो आंखें भी बोलेगी, मुंह भी बोलेगा, फेस का एक्सप्रेशन भी चेंज होगा, होना तो वो तो होना है सब जगह। जैसे आपने बोला कि एक तरीका है खाटू श्याम बाबा से मांगने का भी, वो क्या तरीका है? नहीं, मांगने का तरीका नहीं, अर्जी लगाने का तरीका है। हाँ, बहुत सिंपल सा तरीका है जो मैंने मेरे जीवन में आज तक जो सीखा है। मैं टोने टोटके और ये जो जितने होते हैं ना, क्या बोलते हो आप इसको, क्या बोले, उपाय रेमिडीज, मैं इनके खिलाफ। अच्छा, क्यों? इसलिए खिलाफ हूँ, जैसे मैंने बीच में 3-4 बार सुना, बीच में 3-4 मैंने सुने कहानी किससे, कथा किससे, सब बिल पत्र पे शहर से ओम नमः शिवाय लेकर से गर्भगान पे चढ़ा दो, आपका बच्चा UPSC क्लियर कर लेगा। हाउ इट्स पॉसिबल? आप प्रैक्टिकल बात करो ना, आप वर्तमान जमाने के हो ना, UPSC एग्जाम क्या है, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम, लोगों के जीवन निकल जाते पास करने, इंडिया का भी नहीं सर, वो दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। कैसे होगा सर ये पॉसिबल? क्यों बहका रहे हो लोगों को यार? और मेरे जीवन में तो ऐसा कोई नहीं मिला कि साहब मैं चमत्कार, क्योंकि मैंने डायरेक्ट बात की बाबा से आज। हाँ, जिन पर प्रभु की कृपा है, कुछ खास लोग हुए हैं इस श्याम जगत में, हमारे बाबा के दरबार में हुए हैं, ये बोल रहा हुए हैं, जिन पर प्रभु की विशेष कृपा रही है और उनकी वाणी सत्य थी, उन्होंने जो बोल दिया वो काम होना, कभी उनके पास बैठे उन्होंने कोई उपाय बता दिया, जा बेटा। अच्छा, वो उपाय क्या होते थे? 7 दिन कबूतरों को जवाब डाल देना बेटा, ये रेमेडी नहीं है, ये कौन बड़ा काम है जी, कबूतर को जवाब डाल देना 10 रुपये की रोज, फिर देखना मजा। लेकिन वो लोग थे जिन्होंने आपके लिए भगवान से प्रार्थना की कि देख तेरे भी आप पर इसको जबान दे रहा हूँ, मेरी जबान खाली नहीं जानी, अगर ये कर देगा तो पूरा कर देना, बस पूरा करना है इसको काम, तेरे भी आप पे, मेरी नहीं जबान, आपके विश्वास पर इसको बोल रहा हूँ कि ये काम होना चाहिए इसका, आप पर विश्वास करके आया है, खाली नहीं जाना चाहिए, बात खराब हो जाएगी। वो लोग थे जिन्होंने बाबा को भजा, जिन्होंने अंतरात्मा में उतारा श्याम बाबा के नाम को, और बाबा ने भी उनको ऐसा आशीर्वाद दिया कि जा तेरी वाणी कभी खराब नहीं होगी, होने तेरी बात खराब नहीं होने दूंगा कभी। हुए हैं वो लोग ऐसे कई, मैंने श्याम बाबा जी का जिक्र बताया ना, ताले खोल रहा, उनका एक जिक्र और बताया, शायद नहीं बताया दूसरा, जो आँख वाला, तो वो कौन थे लोग? बिल्कुल, फिर हैं इस जमाने में, आपको नाखून भी तोड़ के नहीं देगा कोई रेमेडी बताने वाला। सर अब हम लोग थोड़ा सा एंड करना चाहेंगे, तो आप एक हनुमान चालीसा से अगर हम लोग एंड कर सके। हाँ हाँ, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधार, बरनउ रघुवर बिमल जसु
जो दायक फल छार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देउ मई हर हु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, फिकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, शैस्त्र बदन तुम रोज सिगावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी को विद कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर जानू, लील्योता ही मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माई, जल दिलांद गए अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्वर दीन जान की माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतवार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, और राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप, सियावर रामचंद्र भगवान की, जय बोलो। पवन सुत हनुमान की, सब मिलकर भाई जय बोलो। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री श्याम। थैंक यू ऑल ऑफ यू भाई। इसी भाव भाई भावमयी कहेंगे, भावमयी हनुमान चालीसा के साथ मैं आज का पॉडकास्ट यहाँ पे एंड करूँगा। होपफुली आपको मज़ा आएगा जितना मज़ा मुझे आया संजय जी के साथ बात करके। बहुत मज़ा आया। और अगर आपको उतना ही मज़ा आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। बहुत मेहनत से बनाते हैं हम लोग एक एपिसोड। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। अच्छा नहीं लगा तो भी बताओ, अच्छा लगा तो भी बताइए प्लीज़ प्लीज़। और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आप जब शेयर करते हैं तो और लोगों तक जल्दी पहुँचती है। ठीक है।
तो प्लीज़ शेयर कीजिए और देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय श्री राम।